नमस्कार, मंजुला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश कुछ खास कुछ नया, सिर्फ आपके लिए हर बार कुछ नया। तो आइए, आज आपके लिए लाए हैं रंगोली आर्ट। इसमें आपको रंगोली से कृष्णा जी बनाना बताएंगे। इसके लिए सामग्री लगेगी 15x10 का वेलवेट का कपड़ा लिए हैं, गोंद 100 ग्राम की बाटल, फेविकोल, रंगोली आप अपने मनपसंद कलर में ले सकते हैं, कार्बन डिजाइन और यह ये समुद्री रेती है। इसे हम पूरी से लाए हैं, आपको जहाँ से भी मिले रेती थोड़ा सा ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वेलवेट के कपड़े पे डिजाइन ट्रेस करेंगे। देखिए वेलवेट के ऊपर डिजाइन को बीचों बीच रखना है और नीचे इस प्रकार कार्बन रखेंगे, कार्बन और डिजाइन को ट्रेस करेंगे। इस प्रकार डिजाइन को ट्रेस कर लेंगे। आप अपने मनपसंद डिजाइन में भी बना सकते हैं इसे। देखिए ड्राइंग हो चुका है पूरा। अब कलर बनाएंगे। सबसे पहले इंद्रधनुष बनाएंगे यहाँ पे, उसके लिए कलर बनाएंगे। देखिए ड्राइंग हो गया है। कलर बनाने के लिए गोंद लेंगे और सबसे पहले इंद्रधनुष में ये कलर रहता है, तो इसके लिए ये वाला कलर सबसे पहले बनाएंगे। इस प्रकार गोंद और रंगोली में गोंद को सही उसमें न ज्यादा गाढ़ा हो न पतला हो और मिला करके इस प्रकार इसके ब्रश से बनाइए। सूखने के बाद इसको जहाँ भी लगे कि सही नहीं हो एक कोट और करेंगे। इंद्रधनुष 7 रंगों में बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूरा यहाँ तक की 7 रंगों में बनाएंगे। कलर न ज्यादा गाढ़ा हो न पतला हो रंगोली को इस प्रकार गोंद में मिलाना है। देखिए रंगोली में गोंद को अच्छे से मिलाना है। अच्छे से मिलाएंगे। जब भी दूसरा कलर बनाएंगे तो ब्रश को पानी में धो सकते हैं, पानी से ही यह ब्रश घुल जाएगा। देखिए अच्छे से जो कलर चाहिए गोंद में अच्छे से मिला लिए हैं। जैसे ये पत्ती बना रहे हैं तो पत्ती पे हरा करेंगे, हरा कलर बना है। यह पानी से ही ब्रश धुल जाता है, इसके लिए कुछ और नहीं लगेगा धोने के लिए। देखिए जैसे थोड़ी पतली बन गई है तो इसमें थोड़ा सा रंगोली और मिलाएंगे इसको गाढ़ा करने के लिए। जब ज्यादा गाढ़ा बन जाए तो थोड़ा गोंद मिला देना है और पतला हो तो थोड़ा रंगोली मिला देना है।
ये बछड़ी को बना रहे हैं, एकदम सफेद कलर में से बनाना है, पूरा सफेद रहेगा बछड़ा, तो इसको सफेद रंगोली से बना रहे हैं। यह रेडीमेड कपड़े में अच्छा बनता है रंगोली, रंगोली आर्ट है जो रेडीमेड कपड़े में अच्छी तरीके से बनता है। देखिए अब भगवान श्री कृष्ण जी को बनाएंगे, जैसा कि हम पहले भी बताए हैं, यह पेटी हम पूरी से लाए हैं, आप लोग इसके जगह रंगोली कर सकते हैं। जब पूरी गए थे तो यह बारीक और चमकीली रेत हम वहीं से ले आए थे। जैसे भगवान की यहाँ पे सिर में इससे बना रहे हैं, आप इसकी जगह रंगोली से बनाइए। जब भी बनाते समय लगे कि गाढ़ा है तो थोड़ा सा गोंद मिलाएंगे, और लगे कि पतला है तो रंगोली मिलाएंगे। यहाँ पे भगवान को चंदन लगाना है, तो ये असली वाला चंदन, जरा सा इसको गोंद में घोल के यहाँ पे असली चंदन को लगाएंगे। इसको बनाते समय एक चीज है, बनाते समय सबसे पहले इसको हार्डबोर्ड के ऊपर वेलवेट को चिपका लेंगे। जैसा कि अभी हम नहीं चिपकाए हैं तो इसमें सुरक्षित रख के बना रहे हैं, आप बनाएं तो सबसे पहले इसको इस नाप का हार्डबोर्ड ले लीजिए और हार्डबोर्ड के ऊपर चिपका के फेविकोल से चिपका के तभी बनाइए। देखिए गाढ़ा हो गया है, इसमें जरा सा गोंद मिलाएंगे। भगवान के फेस के लिए, जैसे कि भगवान श्याम रंग के हैं तो ब्लू कलर से फेस बनाइए, इसके लिए ब्लू रंगोली बनाना है। देखिए यह रंगोली आर्ट बन चुका है। इस रंगोली आर्ट में सिर्फ दो ही ब्रश लगेंगे, एक 0 पॉइंट का और एक 2 नंबर का, दो ब्रश से यह पूरा बन जाएगा। पूरी बीच से रेत हम इसलिए लाए थे क्योंकि वहाँ की रेत में चमक होती है,
जब यह पेंटिंग पूरी तरह से सूख जाए तभी फ्रेमिंग करा सकते हैं। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।